Morning student, I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you next part from probability chapter. Now the question is a box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. Total number of discs are 90 and uh, which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a two-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5. क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपके पास नाइन्टी डिस्क है जिसपे वन से लेके नाइन्टी तक नंबर लिखे हुए हैं ठीक है अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है अगर आपका टू डिजिट नंबर हो ठीक है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका जो टू डिजिट नंबर की सीडीज uh, होंगी वो कितनी होंगी मीन्स जो टू डिजिट नंबर की डिस्क होंगी उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है ठीक है मीन्स अगर रेंडमली हम नाइन्टी डिस्क हमारे सामने है और हम देख नहीं रहे और उसमें से एक उठा लेते हैं तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो हमने रेंडमली कोई डिस्क उठाई है तो कितने चांसेस है कि वो टू डिजिट नंबर की होगी कितने चांसेस है कि जो सीडी आपने रेंडमली uh, उठाई है वो एक परफेक्ट स्क्वायर में होगी कितने चांसेस है कि जो आपने डिस्क उठाई है वो डिविजिबल बाय फाइव मींस फाइव का मल्टीपल होगी ठीक है सो so वन से लेकर नाइन्टी तक काउंटिंग हम सब को आती है तो उसमें देख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ स्क्वेयर हमारे हैं कितने टू डिजिट नंबर बनेंगे कितने नंबर्स ऐसे हैं जो फाइव से डिविजिबल है सबसे पहले हमें यही बातें होनी चाहिए उसके बाद ही हम प्रॉबल्टी निकाल सकते हैं तो हमें पता है सोल्व कैसे करेंगे हमें पता है जो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है इजिकल टू नाइन्टी सो इट मीन्स जो हमारी पॉसिबल आउटकम हो जाएंगी आप लिखोगे सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा बेटा नाइन्टी राइट देन क्या कहा गया है अब बात हो रही है टू डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर डिस्क हाँ जी आपको पता है उसके लिए हमें क्या होना फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम सो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे आपकी फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जो टू डिजिट नंबर की होंगी वो कितनी होंगी वही आपको पता है वन से लेके कर नाइन्टी तक हमारे अंक लिखे हुए मीन्स जो हमारे नंबर है वो वन से नाइन्टी तक है अब आपको पता है इस वन से लेके कर नाइन्टी तक के बीच में टेन से लेके कर नाइन्टी तक ये सभी नंबर क्या है सभी नंबर क्या है टू डिजिट है दैट मीन्स अगर मैं नाइन्टी में से नाइन्टी में से वन से लेके वन से लेके नाइन तक ये तो ओनली वन डिजिट है अगर वन डिजिट वाले लेस कर देती हूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट कितने हो जाएंगे एटी वन भाई वन से लेके नाइन्टी तक है आपके पास नंबर इट मीन्स टेन से लेके नाइनटी तक क्या है टू डिजिट और वन से नाइन तक क्या है वन डिजिट दैट मीन्स टू डिजिट नंबर में से मैं वन डिजिट नंबर को लेस कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ़ टू डिजिट नंबर ठीक है दैट मीन्स जो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी बेटा आपकी एटी वन सो सोल्व कैसे करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा एटी वन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कितना है टोटल नंबर ऑफ नाइन्टी नाइन नाइन जा नाइन वन जा नाइन जीरो जा दैट मीन्स कितना आ जाएगा नाइन बाय टेन बात समझ में आई नाउ कम टू द नेक्स्ट वन अ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर परफेक्ट स्क्वेयर के लिए क्या करेंगे सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा भाई फोर आ परफेक्ट स्क्वेयर परफेक्ट स्क्वेयर क्या होना चाहिए हमारे पास अब देखो हमें पता है वन टू तक जो परफेक्ट स्क्वेयर होंगे वो क्या होंगे वन का स्क्वेयर वन टू का फोर थ्री का नाइन फोर का सिक्सटीन फाइव का ट्वेंटी फाइव सिक्स का थर्टी सिक्स फोर का फोर्टीन सॉरी सेवन का फोर्टी नाइन एट का सिक्सटी फोर नाइन नाइन जा एटी वन इतने ही होते हैं टोटल नंबर ऑफ कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो टोटल नंबर ऑफ कितने हैं नंबर ऑफ नंबर ऑफ परफेक्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वेयर टोटल लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि हम टोटल totally ही ले रहे हैं टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वेर कितने हो जाएंगे वन से लेके एटी वन तक टोटल कितने हैं ये नाइन दैट मीन्स नंबर ऑफ जो फेवरेबल आउटकम है वो भी कितनी हो गई आपकी नाइन सो so, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वेयर क्या हो जाएगा बेटे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है आपकी नाइन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कितना है नाइनटी दैट मीन्स नाइन वंजा नाइन वंजा नाइन जीरो जाट मीन्स वन अपॉन टेन सो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी वन बाय टेन ठीक है आप इसको ऐसे भी ले सकते हो प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट कर सकते हो देन आप लिख सकते हो अ परफेक्ट स्क्वेर ठीक है कैसे भी लिखो आपकी विश ओके नाउ कम टू द थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट क्या है अ नंबर डिविजिबल बाय फाइव जो थर्ड पार्ट उसमें क्या पूछा है आपको कि कितने चांसेस है वट आर द चांसिस गेटिंग ऑफ अ मल्टीपल ऑफ फाइव और डिविजिबल ऑफ फाइव सो थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा आप लिखोगे फोरा नंबर डिविजिबल बाय फाइव हाँ जी सो so हमें तो पता है जो नंबर डिविजिबल बाय फाइव होंगे फ्रॉम वन से लेके नाइन्टी तक कितने होंगे फाइव का टेबल लिख लीजिए क्या होता है फ़ाइव वन जा फ़ाइव टू जा फाइव थ्री जा फ़ाइव फोर जा फाइव फाइव जा फाइव सिक्स जा ऐसे ही हम कहाँ तक लिखेंगे नाइन्टी तक है ना फाइव फाइव आपको इंक्रीज़ करता जाना है इंक्रीज़ करते जाओगे फाइव फाइव तो आपके पास क्या आ जाएंगे आपके फाइव के डिविजिबल दैट मीन्स मल्टीपल आपके पास आ जाएंगे स टोटल कितने हो गए नाइन्टी तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन दैट मीन्स देर आर एटीन नंबर दैट डिविजिबल बाय फाइव फ्रॉम वन टू नाइनटी सो यहाँ पे लिखेंगे देर आर एटीन नंबर्स विच आर डिजिबल बाय फाइव फाइव राइट सो कैसे करेंगे भाई डिविजल बाई फाइव हमारे एटीन हो गए सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई आपकी नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया बेटे एटीन सो प्रॉबर्टी ऑफ Divisible of by five, divisible by five कितना हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है आप लिखना इस बात को मैं डायरेक्ट लिख रही थी लेकिन लास्ट वाले में बता देती हूं क्या आ जाएगा नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम आउटकम्स अपन क्या हो जाएगा भाई नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम नंबर ऑफ आउटकम्स बात समझ में आ रही है तो फेवरेबल कितनी हो गई एटीन क्या कितना हो गया बेटा एटीन बाई टोटल कितना था नाइनटीन दैट एटीन वन जटीन एटीन फाइव जा दैट मीन्स कितना आ गया वन बाय फाइव सो so, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है ईच एंड एवरी पार्ट को पहले अच्छे से समझना है देन इसको सोल्व करना ठीक है so, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय